नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं मोहिनी और अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने किया है अपने फेस पर ब्लीच। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लीच एक केमिकल प्रोडक्ट होता है, तो इसे मैं बहुत ज़्यादा तो अपनी स्किन पर यूज़ नहीं करती हूं, लेकिन कभी कभी जब कहीं जाना हो 2-4 महीनों में एक बार तो इसे यूज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैंने यूज करी है फेम की ब्लीच। तो अगर आप भी घर में ब्लीच करना चाहते हैं तो कुछ सावधानियां आपको रखनी होंगी। अगर पार्लर जाकर आप ब्लीच कराते हैं तो ये काफी महंगी पड़ती है, तो आप इसे घर में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप पहली बार ब्लीच यूज़ कर रहे हैं तो आपको पैच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए, और अगर आप ब्लीच करवाते रहते हैं पार्लर से और अगर अब आप इसे घर में कर रहे हैं तो आप एक्टिवेटर थोड़ा कम मात्रा में मिलाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर से स्किन पर इचिंग जलन हो सकती है। और ब्लीच करने से पहले आप अपने चेहरे का मेकअप जरूर साफ कर लें, उसके बाद ही ब्लीच करना शुरू करें। जब भी आप ब्लीच करते हैं तो इससे हल्की सी जलन होना स्वाभाविक है, थोड़ी थोड़ी सी इचिंग हमारे फेस पर होती है, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो और ये बर्दाश्त ना हो रही हो तो आप इसे तुरंत हटा दें। और अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा पिंपल या किसी टाइप की कोई एलर्जी है तो आप ब्लीच ना करें, ये आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो आइए देखते हैं कि हम घर पर ही ब्लीच कैसे कर सकते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ फेम की ब्लीच। इसके लिए मैंने ग्लास का बाउल लिया है, आप कोई मेटल का बर्तन ना लें। और ये मैंने 1 स्पून निकाली है, क्योंकि मुझे सिंगल यूज़ करनी है सिर्फ अपने फेस पर। और एक्टिवेटर जो है, जितनी आपने ब्लीच ली है उसका 25% ही लेना है, या फिर आप 1 पिंच भी ले सकते हैं। और शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा एक्टिवेटर ना डालें। अगर आपको लगता है कि हमारी ब्लीच कम बनी है तो बाद में आप उसमें थोड़ा सा एक्टिवेटर और मिला सकते हैं। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करें। ब्लीच क्रीम और एक्टिवेटर आपस में अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए, एक्टिवेटर अलग से नहीं रहना चाहिए। और अब मैं ब्लीच करना शुरू करती हूँ। इसके लिए पहले मैंने अपने सारे हेयर्स को बंद कर लिया है। यहाँ पे आप एक हेयर बैंड की हेल्प से अपने हेयर को सिक्योर कर लें, ताकि ब्लीच क्रीम हमारे बालों पर ना लग जाए। और मैं अब अपनी फिंगर की हेल्प से ही अपने फेस पर ब्लीच अप्लाई करूँगी। आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा स्पून भी आता है उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इससे कंफर्टेबल हूँ इसलिए मैं अपनी फिंगर से ही इसको लगा रही हूँ। इसे हमें अपने पूरे फेस पर अच्छी तरह लगाना चाहिए, फेस का कोई पार्ट बचना नहीं चाहिए, नहीं तो वो अनइवन लगेगी हमारी स्किन। और इसे आँखों से थोड़ा दूर रखते हुए लगाएं, आँखों के बहुत ज़्यादा पास ना लगाएं, और अपनी आईब्रोज से भी ब्लीच को थोड़ा सा दूर रखते हुए लगाएं, क्योंकि अगर हमारी आईब्रोज पर या आई लैशेज पर ब्लीच क्रीम लग जाएगी तो वो भी बाल हमारे जो हैं गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए अपनी आँखों से और अपनी आईब्रोज से और अपनी हेयर लाइन से भी ब्लीच को थोड़ा सा दूर रखते हुए लगाएं। और फेस पर लगाने के साथ ही आप अपने इसे गले और गर्दन पर भी ज़रूर लगाएं, नहीं तो हमारा फेस तो साफ नज़र आएगा और हमारी गर्दन काली नज़र आएगी। इसीलिए आप जब भी कोई एप्लीकेशन करें अपने गले और गर्दन को ना भूलें। और अब 10 मिनट तक अपने चेहरे पर इसे रखने के बाद मैंने इसे उतारना शुरू करा है,
पहले मैं हल्का हल्का इसे स्पून की हेल्प से उतार रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सूख गई, पंखा चल रहा था इसलिए ब्लीच क्रीम सूख गई है तो अच्छे से उतर नहीं रही है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अभी हम इसे साफ भी करेंगे। अब आप इसे किसी स्पॉन्ज की हेल्प से या फिर हैंड टॉवल की हेल्प से इसे अपने फेस से साफ कर लें। हल्के हल्के पानी में भिगोकर उसको निचोड़कर अपने चेहरे से इसे साफ करते जाएं। और यहाँ मेरे फेस पर अच्छी तरह से ब्लीच हो चुकी है, सारे चेहरे के हेयर्स जो हैं गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और चेहरा काफ़ी साफ और स्मूथ नज़र आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा और फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ।